हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, यानी कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अब ध्यान देखिए आप लोग, जो यहाँ पे MOA है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस इंस्टीट्यूशन के जो यहाँ पे होता है संस्था, इस संस्था के बाहर जितने सारे यहाँ पे ला बनाए जाते हैं, ला या फिर रूल, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के बाहर जो यहाँ पर आपका होता है आउटर स्कोप, इसके सामने मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे रूल बनाए जाते हैं, जो यहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, वही आपका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जो आपका कंपनी होता है, यहाँ जो कंपनी है, इस कंपनी का क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करता है। कौन? MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। जैसे कि किसी भी देश को चलाने के लिए, यानी कि हमारी कंट्री है, इस कंट्री को चलाने के लिए क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी प्रकार से किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो यहाँ पे लॉ होते हैं, जो यहाँ पे नियम होते हैं, वो हमारा कौन होता है? मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन। तो जो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अब आगे देखिए, जो यहाँ पे होता है मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, यह कंपनी की क्या होती है? मेन डॉक्यूमेंट होती है। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोला जाता है लीगल डॉक्यूमेंट बोला जाता है। यह कंपनी क्या होती है? मुख्य दस्तावेज यानी कि मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है, MOA को बोला जाता है क्या? कंपनी का चार्टर। किसकी? कंपनी की। ठीक, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, पावर एंड द ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। अब यहाँ देखिए, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं, जैसे कि आपका हो गया कंपनी का नेम, कि कंपनी का नाम क्या है, और कंपनी का एड्रेस कहाँ पे है, और कंपनी का पावर क्या है, और इस कंपनी का यहाँ पे लक्ष्य क्या है, यानी कि कंपनी क्या करने वाली है। यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट, कंपनी यहाँ पे क्या करने वाली है, और कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, और यहाँ पे कंपनी क्या करना चाहती है, यानी कंपनी के यहाँ पे डिमांड क्या है, और यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, और यहाँ पे कंपनी की क्या हो गई यहाँ पे लक्ष्य, मतलब यहाँ पे एम। तो वही हमारा होता है पावर एंड दी ऑब्जेक्टिव, यानी कि कंपनी का यहाँ पे क्या यहाँ पे करना चाहती है, क्या यहाँ पे इसका टारगेट है, यही आपका हो गया पावर एंड दी ऑब्जेक्टिव। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है स्कोप। अब देखिए स्कोप क्या होता है, स्कोप इसके बाद हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद हमारा हो गया अल्टरनेशन, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन में यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि आपका हो गया नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कंपनी, दूसरा आपका हो गया पावर एंड द ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपका हो गया स्कोप हो गया, और चौथा आपका हो गया इन्फॉर्मेशन, और पांचवा आपका हो गया अल्टरनेशन। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। अब यहाँ देखिए कंपनी का स्कोप, यानी कि कंपनी कितना यहाँ पे तरक्की कर सकती है, भविष्य में जा करके कंपनी का यहाँ पे क्या हो सकता है। दूसरा बात यहाँ पे डिटरमाइंड टारगेट, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी यहाँ पे कितना यहाँ पे एम को टारगेट कर सकती है, और अपने एम को टारगेट करने के लिए यहाँ पे कंपनी को कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्कोप जो कि यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन में लिखा होता है। अब आगे देखिए अल्टरनेशन क्या होता है। अब यहाँ देखिए अगला हमारा है अल्टरनेशन। इस अल्टरनेशन का मतलब होता है संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, यानी कि कुछ भी आप यहाँ पर रूल या फिर लॉ को चेंज कर रहे हैं, किसमें? MOA में, तो वही हमारा कहलाता है अल्टरनेशन। अब यहाँ देखिए कुछ भी आप यहाँ रूल या फिर लॉ को चेंज कर रहे हैं, तब आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा किसके रूल को? MOA के रूल को आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए जो आपका है MOA का जो यहाँ पर रूल है, जो यहाँ पर इसका लॉ है, ये दोनों आपका मेंशन है किसमें? कंपनी एक्ट 2013, इसी में मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन का रूल और यहाँ पिल्ला, ये दोनों आपका मेंशन है किसमें? कंपनी एक्ट 2013 में।
अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है इन्फॉर्मेशन, अगला पॉइंट आपका है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जानकारी। यानी कि यह माना जाता है कि यहाँ पर जो आउटर या फिर कंपनी का सप्लायर है, कंपनी का सप्लायर है, यह कंपनी का सप्लायर अगर यहाँ पर डील कर रही है किसके साथ, कंपनी के साथ, तब उसको माना जाता है कि वो सारा चीज़ यहाँ पे MOA में लिखा गया है, वो उसको पढ़ लिया है या फिर इसके बारे में जानता है। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ देखिए और थोड़ा सा पॉइंट MOA का, ये देखिए जो यहाँ पे इसका पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, किसका, MOA का, इट इज़ द पब्लिक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 399 जो कि आपका आता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो यही आपका हो गया पूरा मेमोरेंडम ऑफ दी एसोसिएशन ऑफ दी कंपनी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है। 2005 की जो आपका एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहाँ देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन को पावर दिया गया कब, जब यहाँ पे डिक्लेयर हो गया ह्यूमन राइट्स, इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया 1948 में, तभी यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन को पावर मिल गया या फिर बल दे दिया गया। अब इसका देखिए और थोड़ा सा पॉइंट, अब यहाँ देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को प्रोवाइड करता है राइट टू सीक रिसीव इन्फॉर्मेशन और आइडियाज को, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया। अब चलिए देखते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, यह जो नागरिक होते हैं इन नागरिकों को यहाँ पे सशक्त बनाता है, यानी कि टू एम्पावर दी सिटीजन, और यहाँ पे यह प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है ट्रांसपेरेंसी को और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को, इन दोनों को जो यहाँ पे RTI होता है यह बढ़ावा देता है। अब इसका देखिए अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द RTI, यह सभी लोगों को यानी सभी everyone पार्टिसिपेट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी सभी लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, everyone can participate in the democratic process, so this is the objective of the right to information act। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पे रीजन है, क्या यहाँ फैक्टर हैं, क्यों हम यहाँ पे RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को अपनाते हैं, यानी कि जो यहाँ पे होता है करप्शन और जो यहाँ पे क्या होता है स्कैंडल्स, इसका मतलब क्या होता है घोटाला, यानी करप्शन के लिए और यहाँ पे जो आपका स्कैंडल्स है इसी की वजह से हम यहाँ पे RTI को अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है इंटरनेशनल प्रेशर, ये भी आपका होता है एक फैक्टर जिसकी वजह से हम यहाँ पे RTI को अडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट और थोड़ा सा, जो यहाँ पे RTI होता है, अगर इस RTI में ये बनाता है इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो ये जो आपका होता है यानी कि इन्फॉर्मेशन कमीशन, इस इन्फॉर्मेशन कमीशन में किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे नए ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनाए जाते हैं, नॉट क्रिएट न्यू ब्यूरोक्रेट्स। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ कमीशन होता है, इस कमीशन में क्या होता है किसी भी लॉ को किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी यानी कि न्यू ब्यूरोक्रेट्स को बनाए नहीं जाते हैं। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे कोई भी अधिकारी हो गए, कोई भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स, ये अगर मान लीजिए ये उल्लंघन करते हैं किसका, इन्फॉर्मेशन कमीशन का अगर ये उल्लंघन करते हैं, इसके नियम को पालन नहीं करते हैं, तब इस अधिकारी लोग को भी यहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा, यानी इनको भी जुर्माना देना पड़ेगा। सो दिस इज दी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको पूरा बात बता दिया, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और हम लोग यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन को क्यों अपनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इतना आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के पास,
जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो वो लोग जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।